फ्रेंड्स, पहली बात तो हम आज इंटरव्यू करने के पहले एक चीज़ ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं मिस्टर निखिल नारायणन, वो इतने इतने ही, जैसे बोलते हैं, उनकी सोच और उनका जो विज़न है बहुत ही ज़्यादा दूर तक है। और उन्होंने आज ये IndieWood.com जैसे प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए दर्शाया है, जहाँ पे हम जैसे लोग जो हैं सेलिब्रिटीज़ को ला के आपको इंस्पायर कर सके और साथ ही साथ आपको कुछ एक नॉलेज दे सकें जो कि बहुत ही वाइटल हो। दोस्तों, आज हमारे पास में एक बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और टैलेंटेड सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के। मैं उनके बारे में इतना बोलना चाहूँगा शुरुआत में कि भाई, इन्होंने तो जैसे बोलते हैं कि जड़ से निकलकर एक साबित कर दिया, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने नेबर्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। दोस्तों, इनकी बहुत ही मशहूर और चर्चित फिल्म्स हैं, जैसे कि फसगे रे ओबामा, मेरे ब्रदर की दुल्हन, अग्निपथ, जन्नत 2, जॉली एल एल बी, पीके, और आज जब वी मेट कर रहे हैं हम इनके साथ में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टैलेंटेड एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर बिजेंद्र कला जी। बिजेंद्र जी, वेलकम। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। बिजेंद्र जी, पहली बात तो हम जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हों, चाहे वो क्या बोलते हैं अपने करीना कपूर जी हों, बहुत सारे बड़े कलाकार, ऋतिक रोशन जैसे लोग हैं, इनके साथ में आप स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और आपकी काम को सराहा भी गया है। इनफैक्ट पान सिंह तोमर, जो कि जहां से आपको लोगों ने नोटिस करना शुरू करा, वो तो अवॉर्डेड फिल्म थी। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बिजेंद्र कला, जो ये जो नाम आज इतना मशहूर है, जिसको दुनिया अब जानती है, ये भीड़ में से निकल के कहाँ से आया है? ये भीड़ में से निकल के जब चमका है तो ये कैसे चमका है? मतलब मिसाल के तौर पे आपकी जर्नी जो है, कहां से आप रहने वाले, कहां के, शुरुआत कैसे हुई आपकी? नाम जैसे कि मेरा है ब्रिजेंद्र काला, और हम काला, मैं गढ़वाल को बिलोंग करता हूं, उत्तराखंड को, और जहां सारे काला पाए जाते हैं, काला प्रजाति जहां मिलती है, वो एक गांव है सुमाड़ी गांव, और वो पौड़ी गढ़वाल में है। तो मैं बेसिकली हूं वहां का। पिताजी वहां से, जिसे कहना चाहिए कि नौकरी पेशे की वजह से, मथुरा आए, और मथुरा वेटनरी कॉलेज में हमारे पिताजी वहाँ पर थे वो, और उन्होंने करीब 40-50 साल वहाँ पर जॉब किया, और हमारा सारा बचपन वहीं मथुरा में, बिल्कुल ब्रज में, श्री कृष्ण की नगरी में रच बस गया, और समझो कि फिर मैं एकदम ब्रजवासी हो गया, पंडा हो गया। अगर हम बात करें पिताजी के बारे में, तो आपके जो पिताजी हैं वो नौकरी में थे, नौकरी पेशा में थे, तो ये पहला जो ख्वाब जो आया, जैसे बहुत से लड़कों में ख्वाब आता है कि भाई आज मैं दिखने बहुत सुंदर हूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड ने जो है तारीफ कर दी कि यार तुम इतने स्मार्ट हो, डैशिंग हो, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते। सवाल ये कि आपको ख्वाब कहाँ से आया, क्योंकि आप तो मेरा टैलेंटेड तो है ही, आप में जो जो फायर है वो तो मेरे को आपको पहली मुलाकात में देखने को लग रहा है कि आप में बहुत फायर है, लेकिन वो ये ख्वाब कहाँ से आया? ये ख्वाब नहीं, जिसे कहना चाहिए इत्तेफाक बन गया अपने आप में, कि बचपन में जैसे मेरा पहला शौक अगर था तो संगीत था, है ना। तो जो मतलब रवि साहब, किशोर दा, इन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया कि मतलब सोते जागते पढ़ते लिखते, मतलब यहाँ तक होता था कि मेरे फादर ने मेरे को जैसे कि रफ काम करने के लिए, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, और जब मैं 8th 10th जब कर रहा था, तो उस वक्त क्या होता था कि आपको जैसे रफ काम करने के लिए एक कॉपी लाके देते थे, एक मोटा सा रजिस्टर पापा ने लाके दिया था, और कहा था कि ये तुम करते रहो, तो उसमें गुणा बाकी के साथ साथ मेरे मैक्सिमम जितने भी पन्ने थे उन सब में सारे फिल्मी गाने लिखे रहते थे। अच्छा। जो मैं रेडियो से नोट किया करता था, है ना, जिससे कि मतलब कहीं मेरे को गाने का मौका मिलेगा तो मैं, चाहे वो स्कूल का फंक्शन हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो एनुअल डे हो, है ना। तो मैं मतलब उस वक्त संगीत ही मेरी मतलब प्रेरणा थी, प्रेरणा स्रोत पूरा संगीत रहा, यहाँ तक कि मतलब 8th के बाद जब 9th 10th में आप सब्जेक्ट लेते हो, तो पापा जी ने पूछा कि भाई क्या लोगे, मतलब क्या करोगे, तो मेरा मतलब कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या जाना है, तो मेरे मुंह से निकला था संगीत। तो पापा ने बहुत ही एक अजीब सा मुंह बनाया था, कहा संगीत लोगे तुम, हाँ, कि मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती कि मतलब क्या है ये, मतलब तुम्हें अपने जीवन में आगे जाने के लिए तुम्हें कोई सब्जेक्ट चूज करना है, या तो तुम साइंस लो या केमिस्ट्री लो या आर्ट साइड में कुछ करना है, तो वैसा देखो। तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर संगीत नहीं है, और होता क्या था कि गर्ल्स के लिए तो काफी
ऑप्शंस होते थे बिल्कुल, और संगीत सिखाने वाले भी होते थे। लेकिन मैं, मेरे को जहाँ तक याद है उस वक्त मथुरा शहर के अंदर बॉयज को संगीत सिखाना मतलब जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं था ना इस तरह से कि मतलब कि लड़के भी संगीत सीखेंगे, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता था कि मतलब ये संगीत सीखना है, और सिखाते सिखाने वाले बॉयज हुआ करते थे, है ना मास्टर जी, है ना। खैर वो बात आई गई हो गई, और फिर मैंने साइंस ले ली और मैं साइंस का स्टूडेंट बन गया। और बाई द वे मतलब कैसे ना कैसे कर खुला कि मैंने बीएससी बायोकेमिस्ट्री से मथुरा किशोरी नमन डिग्री कॉलेज से किया। तो आपको लगता है इस बात को तो बड़ा इल्म होगा कि आप लड़के होके पैदा हुए, लड़की होते तो आज शायद बहुत कुछ सीख लिए होते संगीत की दुनिया में। हाँ, संगीत की दुनिया में क्या मतलब फिर क्या था ना कि धीरे धीरे वहाँ पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन था, फिर मैं आकाशवाणी चला गया और वहाँ मैं बच्चों के कार्यक्रम करता रहा, उसके बाद यूथ प्रोग्राम किया, फिर देन ड्रामा सेक्शन में गया, फिर धीरे 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 ये बढ़ता गया। अचानक से स्टेज मेरे को एक वो मैं आपको बताता हूँ आगे धीरे धीरे करके। लेकिन अगर हम संगीत की बात करें तो आपको गाने का बहुत शौक था कि लिखने का शौक बहुत था कि सॉन्ग्स क्रिएट करने का शौक था। ये गाने का शौक था, बड़ी इच्छा होती थी कि मतलब आज मैं देखता हूँ इतने ऐसे ऐसे रियलिटी शोज वगैरह होते हैं, हमारे जमाने में कुछ था ही नहीं इस तरह से, है ना, कि मतलब किसी छोटे शहर से कोई बच्चा अपना ये आर्ट संगीत वाली कोई बात ही नहीं थी उस वक्त। और अगर हम स्कूल की बात करें, जैसे स्कूल में कई बार होता है ना कि ड्रामेटिक्स होता है या प्लेज होते हैं या एक्सटेम्पो या डिबेट्स होते हैं, उसमें आप कैसे थे आप, या सिर्फ पढ़ाकू ही थे सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ाकू तो मैं बहुत कम था। अच्छा। बताया ना मैंने, पढ़ाकू तो बहुत कम था, वो एक वजह थी। जैसे होता नहीं है कि मतलब पेरेंट्स का रहता है कि तुमको ये करना, मेरे फादर का बेसिकली क्या था क्योंकि वो वेटनरी कॉलेज में थे, ओके, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी क्या मतलब कि वहाँ जितने भी आपके उनके कलीग्स थे उनकी इच्छा ये होती थी कि कैसे ना कैसे करके उनका एक बच्चा जो है कम से कम डंगर डॉक्टर बन जाए, right. है ना, तो मेरे फादर की भी यही तमन्ना थी, right. लेकिन मैं धीरे धीरे संगीत और फिर उसके बाद थिएटर में ऐसा मेरा रुझान बढ़ता चला गया कि उनके लिए तो दिल तोड़ने वाली बात हो। तो स्टेज फियर नहीं था क्या जब आप स्कूल में पहली बार जब आप स्टेज पे कदम रखे और आपने देखा कि भाई 200 लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सब अलग अलग लोगों के पेरेंट्स हैं, उनके भी बच्चे हैं या बड़े हो छोटे हो, तो कहीं ना कहीं फियर नहीं हुआ जब आपने देखा बड़ी सी लाइट्स और वो जो वो इतनी बड़ी हैलोजन बल्ब जैसी लाइट्स स्टेज पे आती हैं और अगर मान लीजिए आप भी वहां जा रहे हैं डायलॉग कभी भूलने का, ऐसा कुछ फियर नहीं हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब जब मैंने ड्रामा किया जितनी भीड़ कम है मेरा मनोबल गिरा, मेरे हाथ पांव कांपे, लेकिन अगर क्राउड बढ़ गया तो इतना उत्साह और इतना करंट रहता था ना कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। पर कभी ऑनेस्टली अगर हम बात करें कहीं आप कोई डायलॉग्स जैसे कोई प्ले चल रहा हो, कोई स्किट चल रही हो, तो कहीं आप डायलॉग्स भूले नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं डायलॉग भूलने वाला कभी ऐसा बना नहीं क्योंकि करीब करीब महीना डेढ़ महीना हम लोग रिहर्सल करते थे, ओके, और उसके बाद फुल तैयारी। मैंने बता रहा हूँ कि मतलब कि जो थिएटर मैंने इतनी शिद्दत के साथ किया करीब मैंने 17-18 साल सिर्फ थिएटर किया, ओके, और उसके बाद फिर मैं ये सिनेमा की फील्ड मैंने जैसे कहना चाहिए। आप बहुत पहले से कॉन्फिडेंट थे मतलब? हाँ, मतलब और थिएटर के साथ साथ एक के बाद एक जब हम प्ले करते चले गए तो टचवुड मतलब माँ सरस्वती की कृपा बनी रही कि मतलब कि मेरे को कभी स्टेज पे आकर ऐसी घबराहट नहीं हुई, खास तौर से नाट्य मंचन करते वक्त, ओके, वो कभी नहीं आई। और मतलब ना कभी ऐसा कैमरा के सामने आया, कैमरा जब मैंने पहली बार फेस किया जब भी तो मेरे को यही था, हाँ इतना होता था कि मतलब जैसे मैंने बोला कि ऑडियंस कम होती थी, अब कैमरा जब आप फेस कर रहे हैं तो उसमें ऑडियंस तो होती नहीं उस वक्त, उसमें तो जो कैमरा लाइट और जो स्पॉट्स वाले लोग होते हैं जी, जो आपका क्रू होता है सिर्फ वही लोग होते हैं, बिल्कुल, तो मतलब ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या खाली खाली एक्टिंग कर रहे हैं, ओके, ना वो अपने आप को ही खुद ही मतलब ओवर एक्टिंग सा लगता था शुरू शुरू में, ओके। लेकिन अगर हम बात करें अब मथुरा जी, और जैसे मैंने बोला ये तीन जो माँ है आपके बहुत फेवर में, मथुरा, माँ सरस्वती और मुंबई, मुंबई तो मथुरा तो बहुत खूबसूरत शहर है, हालांकि मुंबई के मुकाबले छोटा शहर है, तो जब आप मथुरा से मुंबई आप आए माँ के आशीर्वाद के द्वारा, तो पहला दिन क्या था, क्या मतलब आपको यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्वभाव, या यहाँ पे जब आपने पहला कदम रखा तो आपको मुंबई में क्या समझ में आया? मैं आपको बताऊं कि ये जो वजह है मेरा स्टेज में आना, ये जो वजह, इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है और वो है डॉक्टर अचला नागर। डॉक्टर अचला नागर, ओके, जो कि बहुत रिनाउंड राइटर हैं, अभी भी उन्होंने मतलब बीआर साहब के लिए बागबान, बाबुल और सबसे पहले जो निकाह लिखी थी, उसके बाद इधर क्या कहना चाहिए उसको, नगीना, निगाहें,
है, निगाहें लिखी थी, नगीना नहीं लिखी, निगाहें लिखी थी, है ना, बहुत सारी पिक्चरें उन्होंने लिखी थी, तो माँ बोलता हूँ मैं उनको, है ना। और क्योंकि उनका जो बेटा है वो संदीपन विमलकांत नागर और सिद्धार्थ नागर, ये दोनों थिएटर किया करते थे मथुरा में, तो मैं इन्हीं के साथ जिसे कहना चाहिए थिएटर, मैंने अपने आप को थिएटर में बनाया, और संदीपन मेन डायरेक्ट करते थे और मैं हमेशा मेन किरदार सेंट्रल रोल परफॉर्म किया करता था, और वो सब इन्हीं माँ के आशिक, क्योंकि माँ जो थी असरा जी वो आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में थी, तो उनकी वो मेरी मुलाकात उनसे वहाँ पे हुई, फिर वो वहाँ स्टेज करती थी, तो इस छोटे से शहर के अंदर जब आप नाटक करते हो, ड्रामा करते हो, बहुत बड़ी बात होती है, वो माँ किया करती थी वहाँ पर असरा जी। उसके बाद फिर वो बॉम्बे आ गई, फिर एक फिल्म थी सुबह होने तक जो उनके बेटे संदीपन नागर ने डायरेक्ट की, उसमें कमल जी साहब, परीक्षित जी, संगीता नायक, पल्लवी जोशी, ये लोग थे, लखनऊ में हम लोगों ने शूट की थी ये फिल्म। इस फिल्म के अंदर मैं मतलब एक्ट भी कर रहा था, इस फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, इसमें मैं प्रोडक्शन भी संभालता था, इसमें मतलब मैं कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ किया करता था। तो वो जो सारा का सारा एक्सपीरियंस इस फिल्म के दौरान मिला, और फिर इसी के सहारे से मैं बॉम्बे आया। और बॉम्बे जब मैं आया तो उस वक्त बॉम्बे था, उस वक्त मुंबई नहीं था। अच्छा। और बॉम्बे आने के बाद साथ के साथ क्या हुआ कि मेरे लिए एक बड़ी हैरानी वाली बात क्या थी कि कोई जानकार तो था नहीं यहाँ पे, है ना, जो मेरे प्रोडक्शन के लोग थे जो कि उस फिल्म में मेरे साथ इन्वॉल्व थे वो लोग थे, और उन लोगों के साथ क्या था कि जितनी बात आपने की अगर वो लोग शहर में नहीं है और मैं अकेला हूँ यहाँ पर जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उस तरह से, तो करीब करीब एक दो दिन ऐसा निकल जाया करता था कि मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। अच्छा। कि मैं किससे बात करूं। अच्छा। है ना। और अगर बाय द वे मैं क्या बोलते हैं बेस्ट की बस में बैठ करके गोरेगांव आ रहा हूँ फिल्म स्थान के लिए, और वो टिकट लेने वाला बोलता था टक 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 करके कहाँ टिकट, तो क्योंकि मैं काफी देर से कुछ बोला नहीं हूँ तो लफ्ज नहीं निकल पाते थे, बस देख रहा हूँ कहाँ जाना भैया, मैं कहता था गोरेगांव, है ना, एक बहुत झिझक एक हिचक सी रहती थी। अच्छा। तो वो भी एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग लगा, बिल्कुल माहौल ही अलग हो गया, क्योंकि क्या है ना कि रातों रात चेंज हो गया माहौल, नहीं रातों रात चेंज माहौल क्या हो गया कि एक बहुत कमाल की बात है कि जैसे मैं अगर मथुरा शहर में हूँ तो मैं इत्मीनान से ऐसे बैठा हुआ हूँ, करेक्ट, लेकिन जैसे ही मैंने बॉम्बे में कदम रखा तो मेरी आंखें चौकन्नी, क्योंकि यदि आप चौकन्ने नहीं हो, रोड भी क्रॉस करनी है अगर आपको तो आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, है ना, तो यहाँ बिल्कुल आंखें खोल के रखना है और रखते रहोगे तो तभी आपको सफलता मिलेगी, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जब आप मुंबई आए, आपने घर वर ढूंढा, तो ये जैसे आजकल ये बहुत रिसेंट एक जैसे बोलते हैं ना एक इश्यूज हो गए हैं मुंबई शहर में जो बकायदा मीडिया ने भी उठाया है, वो ये कि भाई हम बैचलर्स को घर नहीं देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर लड़का नौकरी कर रहा है कोई कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में, तब तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ सुन लिया कि लड़का फिल्मी लाइन में है या हीरो बनने आया है तो भाई हम इसको फ्लैट नहीं देंगे, तो आपकी क्या राय है उन ओनर्स के लिए कि क्या ये सही कदम है या क्या आपके हिसाब से क्या ये चीज लगती है? देखो क्या है कि एक्चुअली जब मैं आया था उस वक्त ये चीजें कुछ ज्यादा थी, अभी का मुझे एहसास नहीं क्योंकि मुझे अभी मैं तो शादीशुदा हूँ, है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नेचुरली मतलब एक दूसरे छोटे शहर से एक अलग जगह से एक लड़का आता है ना, और अगर वो सक्षम है कि वो आपका रेंट पे कर सकता है, अदरवाइज क्या होता है कि तीन तीन चार चार लड़के मिलके रूम लेते हैं, है ना, तो मेरा मानना ये है कि मतलब अगर आज मेरे पास एक मकान इस तरह का होगा तो क्योंकि आप क्लियर है कि आप सिर्फ 11 महीने के लिए मकान दे रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप उसको रिन्यू कराते हैं ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई किसी लड़के को आपने दे दिया, और फिर क्या है कि पूरी डिटेल है यहाँ पे, करेक्ट, कि ना पूरी पुलिस वुलिस के साथ पूरी जाँच पड़ताल के बाद आप अगर कोई सर्वेंट भी लेते हैं तो उसकी भी पूरी जाँच पड़ताल होती है ना, उसके बाद आप उसको रखते हैं, तो आप मतलब मकान आप सुरक्षित हैं, आप मतलब किसी भी बंदे को अगर ये सब देते हैं तो पूरी जांच पड़ताल जब तक आप पूरी तरह से इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ये बंदा सही है इसको मकान देना है तो आपको देना चाहिए, और मेरा मानना है कि मतलब कि जो इस तरह से स्ट्रगल करने के लिए लोग आते हैं अगर वो सक्षम है, अगर आपका आपका रेंट पे कर रहे हैं, आपको वो बयाना दे रहे हैं,
तो प्लीज मतलब उनकी मदद करनी चाहिए ऐसे में। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर हम आगे की बात करें, जैसे मुंबई का जो सफर, जो पहला जैसे बोलते हैं फर्स्ट ब्रेक कि यंगस्टर की लाइफ में, हाँ, वो फर्स्ट ब्रेक क्या था और कैसा वो ब्रेक पाने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल करी। सवाल मेरे दो सवाल हैं इसमें कि पहली बात तो आपने कितने महीने स्ट्रगल करी, और जब दूसरा जो पहला ब्रेक मिला या जो पहला कैमरे के सामने आपको परफॉर्म करने का मौका मिला, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप नर्वस थे या फिर भी आप में वही जोश था जो स्कूल में जोश रहा है। क्या है कि दो बातें हैं, एक तो पता नहीं क्यों ईश्वर की कृपा से कभी मैंने स्ट्रगल नहीं की ना। मैं जब आया तो यहाँ जैसे कि माँ के पास रहा, हसरा जी के पास रहा, वो राइटिंग किया करती थी, तो मैंने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया था कि मैं उनको असिस्ट करने लगा है। मैं उनके घर में रहता था, वो मुझे खाना खिलाती थी और वो मुझे अलग से पे भी करती थी, एक चेक भी मेरे लिए कटता था। अच्छा। जो मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया करता था, है ना, क्योंकि मैं उनको असिस्ट कर रहा था राइटिंग में। तो ये जो चलता रहा, इसके साथ साथ जब मैं जो वो जो कहते हैं कि काम ढूंढना, जिसको हम फिल्मी भाषा में कहते हैं स्ट्रगल करना, है ना, वो जो काम मैं किया करता था साथ के साथ, तो वो उनके बेटे के साथ ही होता था। हम लोग जाते थे कहीं वो की फोटो छोड़ जाइए, तस्वीर छोड़ जाइए, तो शुरू शुरू में तो हमने वो किया कि ना कुछ फोटो वोटो खींच खांच के और अपने रखवा दी, है ना। लेकिन वो जो पोर्टफोलियो वगैरह बनाना, ये जो सारी हरकतें इस तरह की होती थी ना, ये मैंने कभी नहीं किया। Okay. कि मतलब इस तरह कभी कोई, अच्छा ऑडिशंस वगैरह भी जो होते थे उनमें भी हम जाते थे, है ना, देख लेते थे पहले। अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे करके सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन ने कदम रखा। Okay. और फिर उसके बाद कुछ चैनल खुलने लगे साथ ही साथ। Okay. तब मैंने क्या किया कि मैं, क्योंकि मैं एक्टिंग तो करता ही हूँ, साथ ही साथ मैंने राइटिंग भी माँ की कृपा से शुरू कर दी थी। Okay. और मैं कुछ 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 लिखने भी लगता था। और मैंने वो भी किया, मतलब राइटिंग भी की फिर मैंने। और तो मेरे को ऐसा नहीं होता था कि अगर मेरे पास एक्टिंग का काम नहीं है तो कम से कम मैं राइटिंग के काम से अपने आप को संभाल लिया करता था। Okay. फिर जो बात कह रहे हैं आपकी, फिर जो भी ब्रेक मेरे को मिला, तो जैसे सुबह होने तक थी तो वो दोस्तों के साथ थी, तो एक अपनी उस तरह की फिल्म थी, तो उसमें इस तरह का कभी मतलब इतना हेजिटेशन इस तरह से फील नहीं हुआ, तो उसने मेरे को एक एक्सपीरियंस गेन करा दिया। Okay. है ना, उसके बाद फिर चुका है जिससे जो पिक्चर की वो मैंने की हासिल, है ना। ओके okay. लेकिन आप वो पहले फर्स्ट टेक में जब आपने, जब कैमरा ऑन हुआ तो आपने फर्स्ट टेक में ही आपने वो कर दिया था। हाँ, आज ऐसा इस तरह से मुझे याद नहीं है कि मतलब ठीक मैंने फर्स्ट टेक में कर दिया था, लेकिन मैं मतलब कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर। Okay. इस तरह का कॉन्फिडेंस था कि मुझको ये, क्योंकि मैं बता रहा, मैं 17-18 साल मैंने इस कदर जूझ के थिएटर किया हुआ था, और काम भी जो मैंने किया बिल्कुल अनजान लोगों के साथ नहीं किया। तो इस पे मेरा एक और सवाल है फिर, कि आप कॉन्फिडेंट कि आप जो बिल्कुल आप लेके चलते हैं अपने जीवन में, तो आप कॉन्फिडेंट भी हैं, सिंपल भी हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए पर्सन हैं, तो इसका ये श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय तो देखो क्या है, जो आपके पारिवारिक संस्कार होते हैं ना, उनको जाता है, आपके माता पिता को जाता है कि वो किस तरह से हैं, है ना। और मेरे अंदर जो भी भावनाएं आई हैं इस तरह की, आई थिंक मेरे फादर बहुत डाउन टू अर्थ रहे। ओके। बहुत ही ज़्यादा कल्चरली जिसे कहना चाहिए कि मतलब कि ये जो संगीत का शौक वो उनके अंदर बहुत था, वो रहा, है ना। माँ के अंदर तो फिर भी थोड़ी सी डोमिनेशन है उस तरह की है माँ के साथ, लेकिन मेरे फादर बहुत ही हम्बल और जिसे कहना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट नेचर के रहे, तो वो मेरे अंदर ज़्यादा है। ये बात तो बहुत हाँ। सही कही आपने। हाँ। तो अगर हम संगीत की अगर हम थोड़ा सा फिर से बात करें, तो संगीत में तो लोग कहते हैं कि भाई सवेरे उठ के सूर्य उदय होने के पहले अगर उठा जाए और गले में पानी अगर डाल के पानी पी के अगर आप रियाज करें तो वो बहुत ही एक नया एक आवाज़ बहुत ही रिदमेटिक होती है। तो सवाल मेरा ये है कि आप क्या अर्ली टू राइज हैं या लेट टू राइज हैं आप आज के, जो कि अब तो आप एक्टर हो गए। हाँ, ये जब क्या होता है ना कि जब आप एक्टर हो जाते हैं तो आप लेट में ही चलते, लेट राइज और लेट स्लीपिंग वाला सिस्टम रहता है। तो इस पे आप बिलीव करते हैं? हाँ, नहीं इस पे बिलीव तो क्या होता है कि मतलब वो डिपेंड करता है। अब आप अगर काम जैसे मैं शूट करके आ रहा हूँ, तो आपके पास ये बहाना हो जाता है कि इतनी देर तक आपने शूट किया, उसके बाद घर पहुँचे, फिर घर जाके खाना वाना खाया, तो उसके बाद आप टीवी देख रहे हैं, या आपका अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है कोई, तो तभी होता है जब आप टाइम से बेड पर जा पाते हैं। ओके। अदरवाइज तो ये है कि मतलब अगर नॉर्मल शिफ्ट भी है, 9 बजे की भी शिफ्ट है अगर, है ना, और लोकल शूट हो रहा है यहाँ पर, तब भी आप जो है कम से कम 12 तो आपको बजते ही हैं रात के।
आपने यंगस्टर्स के साथ भी काम किया है और एस्टैब्लिश्ड बिग स्टार के साथ काम किया है। सवाल मेरा फिर यही है कि क्या इजी, दोनों में से क्या इजी रहा, या दूसरा ये कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा काम करना ज़्यादा पसंद है या अभी भी बिग स्टार्स के साथ काम करना ज़्यादा पसंद है? जो क्या होता है ना, मैं बताऊँ सीधी बात कि बिग स्टार के साथ काम करना एक शौक होता है ना, हर कोई चाहता है कि जैसे हर डायरेक्टर चाहता है कि मैं एक कमर्शियल मूवी भी बनाऊँ, है ना। उसके उसको यंगस्टर्स मिलते हैं, अपने न्यू कमर्स मिलते हैं जिनके साथ वो अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट बहुत अहम किरदार निभाता है। उसके बाद जो आपके एक्टर हैं वही भी धीरे धीरे बन के आपके सेलिब्रिटी बन जाते हैं, है ना। और कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी तमन्ना होती है कि मतलब वो बड़े बिग स्टार के साथ काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके साथ वो दबे रहते हैं, है ना। वो जैसा चाहते हैं गॉड नोज वो निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल, वो जब बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं तब जाके वो बिग स्टार को कायदे से हैंडल कर पाते हैं। ऐसी जैसे मेरे साथ है कि मैं बिग स्टार के साथ काम करूं तो मेरा भी यही रहता है कि उनके साथ मैं कितना काम करूंगा। मेरे तो पहली बात तो ये है कि उनके साथ मेरे सीन्स कितने होंगे, है ना, वो डिपेंड करता है। तो वो जो सीन्स उनके साथ होते हैं तो मैं अपनी कोशिश ये रखता हूँ कि मैं अपना काम वैसे करूँ जैसे मैं बाकी लोगों के साथ करता हूँ जी, क्योंकि लोग उनके साथ मेरे को देख लें ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि क्या है कि जो आम ऑडियंस है वो चाहे मेरा ही घर क्यों ना हो, कि वो एक सलमान, एक शाहरुख, एक आमिर, उनको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। उनके साथ अगर मैं हूँ तो साथ के अगर मैं अच्छा करूँगा और तो मेरे पे भी नज़र पड़ेगी कायदे से, है ना। अदरवाइज क्या है कि उन्हीं के साथ पूरा सिनेमा निकल जाएगा। तो फिर आपके हिसाब से फिर आपको क्या लगता है, फिर भी नहीं आपकी चॉइस क्या रहेगी? नहीं, मेरी 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 चॉइस, मेरी चॉइस दोनों तरफ से यही है कि मतलब कि अगर मैं बिग स्टार के साथ काम करके अगर पॉपुलर होता हूँ तो मेरे को जो छोटा जो क्या होते हैं जो न्यू कमर्स हैं या जो स्मॉल फिल्में बनाते हैं उसमें मेरे को बेहतरीन काम मिलने के चांस ज़्यादा बनते हैं, है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कि ये जो स्टार्स के साथ काम करके अगर मैंने जो पॉपुलैरिटी कमाई है ना, वो हर एक के साथ हो रहा है तो वो उसमें भुनाते हैं। क्योंकि हमको वो उसमें भी तभी पूछा जाता है अगर आपका थोड़ा सा भी नाम बन गया है ना। क्योंकि क्या होता है कि न्यू कमर्स में हमारे लिए क्या कहा जाता है कि भाई कि आप, अरे सर आप तो लीजेंडरी हो गए, है ना। अब मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ गया मैं कब लीजेंडरी हो गया, है ना, कि किस तरह से हो गया। तो मैं कहता हूँ नहीं यार अभी तो बहुत काम बाकी है भाई, अभी हमने किया किया है ना। तो लेकिन उनका मतलब तुम उससे मत बोलो कि तुमको 15-20 साल हो गए अगर इंडस्ट्री में तो आप मतलब लीजेंडरी हो गए हो, है ना। तो होता क्या है कि आप काम करके अपने आप को बनाते हो महान, जब तक आप काम नहीं करते हो। यही तो, यही और, और और दूसरा क्या होता है कि तो लेकिन लोगों को वो काम नजर आना चाहिए। मैंने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें की हैं लेकिन वो मास तक, वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, आपने गहराई बात और हमारी फील्ड में क्या होता है कि हमारी फील्ड में लोगों को इतना एहसास होता है कि इन्होंने उस फिल्म में अच्छा काम किया, कि उस फिल्म में अच्छा काम किया, कि उस फिल्म में अच्छा काम किया, है ना। तो तब जाके आपको वो कंसीडर करते हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा है, बिकॉज इसी पे मेरा एक कंटिन्यूड क्वेश्चन है यंगस्टर्स और न्यू कमर्स की तरफ से। वो ये कि कई बार जैसे देखा जाता है, आपने जैसे अभी लास्ट लाइन ये कही कि भाई काम ऐसा करो जो नोटिस हो सके। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने बहुत छोटे छोटे रोल्स भी करे हैं और आपने एक ऐसे काम भी करे हैं कि जो नोटिस भी हुए हैं और लोग आप जानते भी हैं आपको। तो सवाल मेरा ये है कि ये जो चीज़ें जो आपने नोटिफिकेशन वाला जो आपने काम करा है कि लोगों के दिमाग में और उनके इमोशंस में आप बैठ जाएं, तो ये आपने किया प्रोड्यूसर को आने वाले फिल्मों में ये एक ये रखा हुआ है कि भाई मुझे ऐसा रोल होना चाहिए कि एटलीस्ट वो नोटिफाइड हो, या फिर जो आपने जो आपको मिला उसमें आपने चुनौती भर दी? अभी क्या हो गया है कि मेरे को जो भी काम मिलता है तो अभी जैसे बोला कि अगर मैं लीजेंडरी उसमें आ गया हूँ और क्या बोलते हैं मैं उम्र दराज इस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ और मुझे अगर इतने साल हो गए हैं काम करते करते, तो अभी आज की तारीख में जो भी डायरेक्टर्स मेरे को मिलते हैं तो वो सीन देते हैं, सीन लेके देने के बाद मुझसे बोलते हैं सर इसमें कुछ कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी लाइनों को सही करता हूँ। ओके, तो मेरे अंदर जो भी राइटिंग का कीड़ा है वो थोड़ा पहले उसमें जाता है, तो मैं बोलता हूँ यार इसको सही करो इस सीन को, तो बोले सर बताइए ना क्या करना है इसमें, कैसे करना है। तो फिर मैं उस सीन में थोड़ा सा वर्कआउट करके उस सीन को ऐसा बना देता हूँ कि मैं कुछ काबिल नजर आऊँ, कि वो मेरे लगे कि हाँ मैंने किया है कुछ, तो मैं फिर उसमें मेहनत कर लेता हूँ और फिर उस तरीके से अपने किरदार को संभाल के निकालने की कोशिश करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन डायरेक्टर्स का जो कि मुझे इस तरह का मौका देते हैं।
वेरी गुड सेट इनफैक्ट. तो मतलब अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी कंप्लेंट्स होती हैं न्यू कमर्स की भी, डायरेक्टर जो है कभी कभी उनको डोमिनेट कर देता है न्यू न्यू कमर्स को, बोलता है कि जैसा लिखा गया है वैसे ही करो, तो उसमें क्या मतभेद जब हो जाते हैं तो क्या न्यू टैलेंट को ये बात जो है प्रोड्यूसर तक पहुंचानी चाहिए कि सर एटलीस्ट मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे एटलीस्ट फ्रीडम तो दी जाए वो करने के लिए? हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि ये काम तो हमने भी किया ना पहले शुरुआत में, कि जो लाइन लिखी हुई है उसको आप बिल्कुल वैसे ही बोलिए. तो अब हम करते हुए आए हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा करके इतना तो बनना पड़ेगा कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी बात को सामने रख सकें. अदरवाइज तो यही है कि मतलब कि जो सीनियर है वो तुरंत उसको बोलेंगे कि ठीक है आप वो बाहर का रास्ता देखिए, निकल लीजिए यहाँ से, है ना. पर ये सैड है फिर भी. हाँ सैड है, लेकिन होता क्या है ना कि जो भी न्यू कमर आएगा आप उसको अगर जो दिया गया तो उसको अपना पूरा रूप, अपना पूरी कला, अपनी माँ सरस्वती की पूरा जो भी श्रद्धा है वो उसको उसी सीन में दिखानी पड़ेगी जितना उसके पास दिया हुआ है बिल्कुल. ना. और मेरा मानना हमेशा ये है कि किरदार कभी छोटा नहीं होता. आपको एक छोटा सा भी अगर सीन मिला है, आपकी अगर उसमें झलक भी है, तो आप अपने आप को इतना रिस्पॉन्ड करें कि देखने वाले को लगे दोबारा से कि 1 मिनट इसको वापस करना यार, थोड़ा रिवाइंड करना एक बार. हाँ, तो उसको इच्छा जाहिर हो उसके अंदर कि काश इसका एक दो सीन और होते. आप सामने वाले के अंदर, देखने वाले के अंदर प्यास जगाओ अपनी कि वो आपको आगे आपका काम बढ़ाए. वेरी वेल सेड दोस्तों. ये हैं बिजेंद्र कला जो बहुत ही एक नॉलेजेबल और बहुत ही वाइटल बात कर रहे हैं. आई एम श्योर कि आप ये बात को समझ रहे होंगे और बिल्कुल इसको यू नो चैनलाइज भी कर रहे होंगे अपने माइंड में कि कैसे आप इस चीज़ को ढालें और अमल करें और ग्रो कर सकें. विजेंद्र जी, आगे बढ़ते हैं. हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार मैंने आपके दोस्तों से, मित्रों से मुलाकात करी है, और आपके मित्र ये कहते हैं कि विजेंद्र जी एक वो शख्स हैं, वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं बॉलीवुड में, वो कम गिने चुने ह्यूमन बीइंग हैं बॉलीवुड में जो शायद असिस्टेंट होने के बावजूद भी या घर में कोई भी हाउस होल्ड काम होता है तो वो खुद ही आप इतना ग्राउंडेड वे में आप करते हैं. तो सवाल मेरा ये है कि आप स्ट्रेस नहीं होता? नहीं, देखो क्या है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस तब होता है जब आप घर पे जाते हैं और घर आपको स्ट्रेस मिले, है ना. तो क्योंकि क्या है कि आपको अपने घर को सजाने संवारने के लिए ये सब काम आप करते हो, है ना. जो भी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये है कि कम से कम आपका परिवार सुखी रहे, है उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, तो ये आपका फर्ज बन जाता है. अगर आप इतना कर सकते हो तो आपका क्या है कि जो काम आप खुद अपने हाथों से करो, है ना, उसमें जो मिलती है खुशी वो मतलब ऐसे नहीं मिल पाएगी. अभी अगर अगर मैं घर के कुछ कामों में अपने हाथ बटाता हूँ तो वो मेरे लिए, मैं अपनी खुशी से करता हूँ, मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन बोलता है कि मतलब कि मैं ये करूँ. अगर अब मैं अपने घर के लिए सब्जी तरकारी लेकर के मार्केट से आता हूँ तो वो मेरा एक अपना फर्ज है, मेरा वो अपना ही द्वंद है कि मतलब कि नहीं मैं लेके आता हूँ, या मेरे को लगता है क्योंकि मेरे को आदत है शुरू से, तो जब मैं कुछ भी नहीं था. तो जो परंपरा चली आ रही है उसमें अगर आप पॉजिटिवली लेते चले जाओ तो आपको और मजा आता है. कई कई तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि मतलब ये तो मैंने और मेरे मित्रों ने भी देखा है कि आप कई बार सब्जी मंडी में खुद ही जाके लेके आते हैं सब्जी को, और ये भी हमें भी हैरानी होती है कि आप इतने स्टेज पर आ गए हैं. तो आप तो असिस्टेंट से भी भिजवा सकते हैं लेकिन आप खुद अपना घर का काम करने नहीं, में नहीं, इतने मोहब्बत रखते हैं. हाँ नहीं, वो उसमें उसमें क्या होता है ना कि उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जुड़ते हैं, आपको 10 तरह के लोग मिलते हैं, 10 तरह के करेक्टर्स आपको मिलते हैं जो कि किरदार आपको अपने आगे आगे के कामों में मददगार होते हैं, है ना. तो वो बहुत अच्छी सी बात है. और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इस डिजिटल इंडिया में जो कि कहना चाहिए इतना कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ उसके आने के साथ साथ, कि चाहे वो आपको बिल भरना हो, कुछ भी करना हो, तो ऑनलाइन मतलब मैं सारे अपने लैपटॉप पे ये सारे काम बहुत ही शिद्दत के साथ करता हूँ. नहीं, बट फिर भी एक बात तो सही है आपकी, क्योंकि अगर डिजिटल चीज़ें आ गई हैं हमारे इंडिया में, जैसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया, तो ट्विटर भी ये ज़माना आ गया है, बहुत से सेलिब्रिटी ट्विटर से जुड़ते हैं. लेकिन हाँ, आप जैसे लोगों की एक बात को मैं बहुत सराहता हूँ और बहुत बिल्कुल सपोर्ट भी करता हूँ कि आप तो ट्विटर के अलावा उन लोगों से भी मिलते हैं जिनके पास बेचारों के पास ट्विटर भी नहीं होता, लेकिन एक आपको एक एक आइडिया हो जाता है कि उनके मन में आपके लिए क्या भाव है आज के हाँ, दिन में. हाँ बिल्कुल. आज अगर कभी किसी भी किराने की दुकान पे या किसी भी मेडिकल शॉप पर अगर मेरा आना जाना है तो
क्योंकि वो तो ट्विटर यूज करेगा नहीं, हाँ, नहीं वो एक जो सम्मान मिलता है ना उस तरह का, बिल्कुल, क्योंकि वो भी मेरी ऑडियंस है, वो दस और सर क्या चल रहा है आजकल, और साहब अभी क्या आने वाला है सर, तो मैं उनसे बिल्कुल आम नागरिक जैसे कि हम, मैं शेयर कर, मैं कभी इरिटेट भी नहीं होता उस तरीके से कि बार 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 और सर कुछ चल भी रहा है कि नहीं, कि मतलब बस सब्जी भाजी खरीदने चले आए, है ना, तो क्या होता है कि बहुत एंटरटेन करता हूँ मैं उन सब चीज़ों को और बहुत अच्छा लगता है समय, बिल्कुल, बहुत बहुत आपने, यही तो वजह है कि इतना इतना प्यार आपको बॉलीवुड ने भी दिया है, प्लस इतनी अच्छी आपने बात करी है कि आई एम श्योर कि यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशनल ये टॉक है जो आप कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिसअपॉइंटमेंट की, इंसान जो होता है वो खुश भी होता है और दुख भी होता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको किस बात से बेहद खुशी होती है और किस बात से बेहद गम मिलता है? बेहद खुशी तो नेचुरली जब आपके काम से और आपकी वजह से आपके परिवार को, आपके दोस्तों को इस बात का सुकून मिलता है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, है ना, सुकून मिलता है कि मतलब कि आपके रिश्तेदार हों, आपके घर वाले हों, है ना, और जिस काम के करने से अगर एक बढ़ावा मिलता है जीवन में, एक सपना साकार होता है, वो बहुत अच्छी बात है। और दुख उस बात का होता है कि जब आप कोई काम करने जाते हैं और पता लगा कि मतलब कि वो एक दुर्घटना हो गई अपने आप में, है ना, वो काम साधी। मैं आपको बहुत क्लियर कर बताता हूँ कि एक फिल्म कर रहा था मैं बेशरम, और उस बेशरम जो कि जिसमें ये अभिनव कश्यप जी की डायरेक्टेड फिल्म, रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर थे उसमें, और वो माशाल्लाह वो उस फिल्म के लिए जब मेरे को बुलाया गया तो मैं उसमें बिल्कुल ही अलग तरह का किरदार था मेरा उसमें, और मैंने बहुत योगदान, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने राइटिंग के तौर पर अपना जो गायकी है उसके तौर पर मैंने उस फिल्म में अपने आप को रखा था, और करीब 10 दिन मैंने शूट किया, और अचानक मालूम पड़ता है नेक्स्ट शेड्यूल में कि नहीं, वो करेक्टर ही ख़त्म कर दिया, है ना, और मेरे अंदर जो एक सपना चल रहा था कि एक बड़ा ही कमर्शियल सिनेमा जिसमें कि आप एक अच्छा सा किरदार निभाने के लिए जा रहे हो, है ना, तो वो बड़ा कचोटा मेरे को कि मतलब ये क्या हुआ, वो मैंने घर में अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। अच्छा। और करीब 2 महीने के बाद क्या होता ना कि फैमिली में बातचीत करते हो, और जिया जी क्या कर रहे हैं, और भाई क्या कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, ब्रिजेंद्र क्या कर रहे हैं, तो उसमें जब बेशरम का भी नाम आता था तब मुझे लगा ये गड़बड़ हो रहा है, है ना, तो तब मुझे वो पोल खोलनी पड़ी कि भाई ऐसा है कि मैं नहीं कर रहा वो, है ना, तो मतलब मेरी वाइफ को भी शौक था वो अपने आप में बहुत बड़ा कि मतलब ये क्या हुआ। तो ऐसी जब घटनाएं घटित होती है ना इस तरह की, तो वो बहुत मतलब मेरी अगर कोई दूसरा होता तो उसको दिल पे बहुत बुरी तरह से लगती। तो इस ऐसे ऐसे स्टेज पे जब आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और ये जैसे बोलते हैं ना, डिसअपॉइंटेड इज अनदर वर्जन ऑफ गेटिंग अ शॉक, कि वो शॉक क्या होता है, एक झटका मिलना और एक बॉडी का पूरा शेक कर देना। तो सवाल ये कि ऐसे केस में फिर आप ओवरकम कैसे करते हैं, वो आर्ट क्या है, और दूसरा आपका इमोशनल एंकर कौन रहा है इस डिसअपॉइंटमेंट में? एक्चुअली क्या होता है कि मतलब कि ये खुद आप क्या होता है ना कि सुख और दुख में एक्चुअल में देखा जाए तो आप खुद ही भागीदार होते हो। वो शेयर करने की बात अलग होती है कि आपने पत्नी के साथ शेयर कर लिया, उसको बांट लिया, लेकिन अकेले में जब आप अंदर कमोर में बैठते हो ना तो आप सोचते हो कि मतलब कि आपके जीवन में ये जो उठा पुथा है क्या चल रहा है, और आप उसको साले को वहीं बहा के चले आते हो। वो मैंने महसूस किया, फिर मैंने कहा छोड़ो अब तुम नेक्स्ट देखो, लेकिन अभी ये आया कि एक समझ आ गई दिमाग में कि आपको हर चीज के लिए तैयार रहना, ये भी एक अपने आप में बड़ा ही अलग तरह का लड़ाई का मैदान है, है ना, जिसमें हर कोई अपने आप को मतलब सामने लाने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के तरीके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल और अलग तरीके से हो सकते हैं। मेरा जो है वो यही है कि मतलब कि सिर्फ करके दिखाओ, है ना, लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे लिए इनफ इतना बहुत है, है ना, और मैं कैसे भी करके किसी भी तरह से अपने आप को भी संभाल लेता हूँ। तो ये मतलब ये शायद देन है, अब वही वाली बात के मतलब ये शायद मेरे पिताश्री में भी थी। वेरी वेरी नाइस साइड। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा खुशी वो आपको कब मिलती है? सबसे ज्यादा खुशी तो कोई भी अच्छा काम, लाइफ की सक्सेस, है ना, जीवन में आपको मतलब किसी भी तरह की खुशी होती है, आपके बच्चे ने अवार्ड जीत लिया, आपका बच्चा क्या बोलते हैं अच्छे नंबरों से पास हो गया, है ना, या आपको बहुत अच्छा काम मिल गया, आपको बहुत अच्छे रिव्यूज मिल गए, है सामने वाले ने कहा कि नहीं सर मजा आ गया, आप जो वो जो सीन हम कर रहे थे और उस सीन को बाय द वे हम नहीं रख रहे थे लेकिन हमने रखा और बहुत मजा आ गया सर, है ना, अच्छा हुआ आपने बिल्कुल वैसा ही किया। तो ये मजा कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों में
बहुत ज्यादा आता है, वो भी एक तरह से रिवॉर्ड का काम कर जाता है, अवार्ड से बढ़कर रिवॉर्ड का काम कर देता है। हाँ, जैसा होता है ना कि मतलब कि वही कि एक जिसे कहना चाहिए कि किक लगना ना, तो वो एक होता है कि कभी बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बहुत मजा देती हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी खुशी भी जो है आप बस सोचते हैं कि मतलब कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ ना, तो आप थोड़े शौक रहते हैं उसको, आप उतनी तरीके से कि कहीं मैं शौक में गिर ना जाऊं, है ना, तो आप संभाल के चलते हैं, लेकिन जो छोटी खुशी होती है उसको आप बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर प्रोमोज जब आते हैं तो सबसे बड़ा ऑनेस्ट और कैंडिड रिव्यू जो है कि मतलब ये फिल्म चलेगी या आप उसमें बहुत बेहतरीन दिखेंगे नहीं दिखेंगे, ये सबसे पहले आपको कौन बताता है? आपकी वाइफ बताती है या आपके फ्रेंड्स बताते हैं या कौन बताता है आपको? आपका आपका बेस्ट क्रिटिक कौन रहा है? बेस्ट क्रिटिक तो डेफिनेटली घर वाले ही होते हैं, मतलब मेरी मेरी वाइफ बहुत बड़ी क्रिटिक है, उसको अगर आपको मैं फ्रेंकली बताऊं तो उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सी वाली एक्टिंग करता हूं। है ना? तो मैं दिखता रहता हूँ उसकी तरफ, तो वो कहती है तुम एक्टिंग तो करते ही नहीं हो ना, तो मैंने कहा हाँ मैं गलत आ गया हूँ, तो मेरी तो बात हमेशा ही रहती है कि वो डेफिनेटली मतलब देखती भी है कोई पिक्चर, अगर अब उसको धीरे धीरे ये पड़ गया कि तुम थोड़ा सा उसमें ओवर कर रहे थे, है ना, तो मैंने कहा यार मैं उसमें एक्टिंग कर रहा था, तुम्हारे लिए तो मैंने वो एक्टिंग की, तो अब तुमने उसे ओवर बता दिया, अभी मैं उसको कम कर दूंगा, तुम कहोगे तुमने एक्टिंग ही नहीं की, है ना। तो शी इज द बेस्ट क्रिटिक। हां, बेस्ट क्रिटिक। ओके, और हम चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि चूंकि चूंकि लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और आप हैं ही इतने प्यारे इंसान, इतने जुड़े हुए धरती के, मैं तो बोलता हूँ कि धरती का एक पैर अगर आपका है तो एक धरती के पैर के नीचे है और एक पैर भरी धरती पे होगा। लोग कहते हैं कि एक आसमान में पैर है और एक धरती पे जुड़ा, लेकिन आपका एक पैर धरती पर और एक पैर नीचे है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद, इतने खूबसूरत ह्यूमन भी होने के बावजूद, अब आप इस हॉट सीट पे डिजर्व करते हैं कि आप अपने जूनियर्स जो कि अपकमिंग जनरेशन है या अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या वाइटल टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो भी आपकी तरह एक अच्छे इंसान और एक अच्छे कलाकार बन सकें? वही मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा बोलता रहूं मैं कि अपना रूट्स मत छोड़ो, जहां से आप आए हो उसको हमेशा याद करो, और जो भी काम मिलता है आपको, वही छोटा या बड़ा ना, उसको इस तरीके से मत देखो कि मतलब इससे क्या होने वाला है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे तो आपको हर कोई कंसीडर करेगा, हर कोई जो है आपकी काम की बात करेगा, उसके बाद आपको काम देगा। पिछला आपने जो कुछ भी किया है ना वो सामने आता है, जिसे कहता है ना कि आपका किया करा ही आपको आगे बढ़ाता है। वो तो बहुत कम लोग होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मतलब कि आती आते ही कुछ इस तरह की सक्सेस मिल गई हो तो बात वो बिल्ड आए, है ना। कोई भी मुझसे आके, मैं हमेशा बोलता हूँ देखो मुझे करीब 20 साल हो गए आज की तारीख में, मैं इस स्थिति में हूँ, तो आई थिंक पिछले जो 10 साल हैं वो मैं अकाउंटेबल है कि मतलब कि इस 10 साल में मैंने कायदे से काम किया है। उसके पहले के जो 10 साल थे वो मैं आया, मैंने देखा बंबई क्या है, बीटी कहाँ है, चर्चगेट कहाँ है, या जिस तरीके से भी जो भी मैंने जितनी भी मैंने स्ट्रगल की हो या जिस तरह से भी मैंने अपने आप को पोर्ट्रे किया हो, वो छोटे छोटे काम जो कि नेग्लेजिबल रहे हों भले ही, है ना, लेकिन उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। उन्होंने धीरे धीरे करके पुश करते 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 हो सकता है कि मतलब सामने वाले को जहाँ मैं आज हूँ वो कल ही हो जाए, है ना, और हो सकता है उसको 20 के 25 साल लग जाएं, लेकिन वो जो काम है वही उसको आगे बढ़ाएगा। ये मैं हमेशा मानता हूँ, और अपने काम के प्रति अगर आप ईमानदार रहोगे आप हमेशा सफलता हासिल करोगे। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही विजेंद्र जी, तभी तो मैंने कहा कि ये तीन माँ जो हैं शायद आपको नहीं बल्कि और लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी इंसान माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, और ये जैसे बोले मैंने कहा कि मथुरा, माँ और मुंबई, ये जो है आपके लिए तीन फैक्टर जो है बहुत बड़े रूप में आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर माँ का भी आशीर्वाद किसी को भी मिल जाए और माँ के संस्कारों पे लोग चलें तो बेहतरीन, आपकी तरह ही वो भी एक जैसे बोलते ना कि एक यादगार एक्टर की तरह पे इंडस्ट्री में जाने जाएंगे। और ये वाकई मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ये चीज़ अमल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल, undoubtedly। थैंक यू वेरी मच विजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आप इतना वक्त निकाले। आई एम वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।